हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा दाकन। वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको बोलना सब चाहते हैं, पढ़ना सब चाहते हैं, सीखना सब चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं कि जहाँ से वो शुरुआत करें, कैसे चीज़ों को समझें, कैसे बेसिक समझें। प्योर संस्कृत में लोग पढ़ाते हैं तो लोगों को जो हिंदी बोलने वाले या जो इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो गाइस, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया आप सब लोगों की डिमांड पर कि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ संस्कृत की। इसमें आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं ऑब्वियसली बात है बहुत एक अच्छा और एक बहुत लेंदी और एक बहुत शानदार कोर्स आपके लिए बनाऊंगा जो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश में होगा आपको आसानी से, जिसमें आप संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। व्हाट इज़ नाउन? ऑब्वियसली बात है, नाउन क्या होता है हमने बिल्कुल रटा हुआ बचपन से ही था। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो उसी तरीके से संस्कृत में भी नाउन होता है, संज्ञा होती है, और उसको कहा जाता है आपका सुबंतम। सुबंतम, सुबंतम को संस्कृत में जो है, सुबंतम संस्कृत का नाउन होता है, मीन्स आपका जो नाउन है उसको सुबंतम कहा जाता है। तो नाउन ऑब्वियसली बात है, जो नाउन जो इंग्लिश में जो डेफिनेशन है, जो आपका हिंदी में जो डेफिनेशन है, वही आपका संस्कृत में भी डेफिनेशन होगा। मतलब वही आपका प्लेस और नेम, किसी भी थिंग का जो नाम होता है वो उसको संज्ञा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में यही चेंज है कि सीधा नाम या सीधा किसी भी थिंग का नाम आपका संस्कृत में सीधा नाउन नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो संस्कृत का जो नाउन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। नाउन जो है, जो आपका सुबंतम है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्रातिपदिकम और सुप्रत्य। सुप्रत्य से सुप, जो प्रत्य मीन सफिक्स, जो शब्द के पीछे लगता है उसको हम प्रत्य कहा जाता है, सफिक्स कहा जाता है। तो प्रातिपदिकम और आपका सुप, तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में नॉमिनल बेस। क्या कहा जाता है इसको? नॉमिनल बेस। और इसको कहा जाता है नॉमिनल सफिक्स। जब नॉमिनल बेस और नॉमिनल सफिक्स मिलता है तब जाकर बनता है आपका सुबंतम या संज्ञा या नाउन। अब आपको बता दें कि जो प्रत्यय है वो तो सबको मालूम चलेगा कि सुप्रत्य होता है। इस मतलब किसी भी जो जो आपका प्रातिपदिकम है उसमें आप ऐड करेंगे किसी सुप्रत्य को, तो आपका संज्ञा बन जाएगा, आपका सुबंतम बन जाएगा। लेकिन मेन तो फिर यही हो गया आपका प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक जो है, प्रातिपदिक इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है, मतलब यही जो है जिसको आपको समझना चाहिए। तो आपका प्रातिपदिक का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है। प्रातिपदिक का जो वर्गीकरण उसको, या क्लासिफिकेशन ऑफ आपका प्रातिपदिकम, या क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्मल, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमिनल बेस, दो तरीके से, लिंग पे और आपका प्रातिपदिक के अंतिम वर्ण पर। मींस जो आपका लिंग, मींस आपका जो जेंडर है, पहला जेंडर पे बेस पे क्लासिफाइड किया गया है, और दूसरा किया गया है जो आपका नॉमिनल बेस है, मतलब प्रातिपदिक है, इसके जो अंतिम शब्द जो होता, अंतिम जो वर्ड होता, मतलब जो एक वर्ड शब्द है, शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, अंतिम अक्षर जो होगा, उसके ऊपर से देखा जाएगा कि भैया किस तरीके से उसको हमने क्लासिफाइड करा। सबसे पहले मैं लिंग की बात करता हूँ। संस्कृत में जेंडर को आइडेंटिफाई करना, पता करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? आपने कह दिया कि सर ये लड़का है, ये लड़की है, ऐसा तो कभी कभी क्या होता है संस्कृत में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। लिंग आपको पता है कि तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। पुल्लिंग भी आपका जेंट्स होगा, मेल होगा, ये फीमेल हो गया, और आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए न्यूटर कहते हैं इसको, न्यूटर। ये आपका क्या हो गया? मस्कुलिन, फेमिनिन और आपका ये न्यूटर, मीन्स इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो भैया आपको ये है कि जो प्रातिपदिक, मीन्स जो आपका नॉमिनल बेस है, ये आपका जेंडर से कैसे डिसाइड होता है? तो पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, मीन्स अब आपको ये समझना चाहिए कि हाउ टू डिसाइड जेंडर इन संस्कृत। संस्कृत में जो जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं, वो कैसे डिसाइड होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है, ये कैसे पता चलता है कि आपका ये मस्कुलिन है, ये आपका फेमिनिन है और ये आपका न्यूटर है। तो लिंग जो डिसाइड होते हैं संस्कृत में, जो पुरुष, जो आपके लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वो इस तरीके से होते हैं। एक पहला रूल, पहला रूल ये है कि जो नेचुरली ही है, जो बताया गया है कि ये है ही है। जैसे मान लो किसी का नाम, जैसे राम, राम नाम हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है, मतलब ये किसी लड़के का नाम है। श्याम,
घनश्याम, लेकिन मैं राधा बोल दूँ, कन्हैया राधा बोल दूँ, मैं गीता बोल दूँ, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये लड़की है। तो इनको आंतरिक रूप से जो पहले से ही डिसाइडेड है कि भैया ये पुरलिंग ही होता है और ये स्त्रीलिंग ही होता है। तो अब ऐसा तो नहीं है किसी लड़की का नाम भी आपने राम सुना होगा, ये पहले से ही है, ये नेचुरली है। मतलब जैसे ये कुछ चीज़ें नेचुरली डिसाइडेड है, ऐसा नहीं है कि राम है तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। आपको ऑब्वियसली बात है, आपको पहले से ही मालूम है कि लड़के का ही नाम है, लड़की का नाम नहीं है। तो ये पहले से ही नेचुरली, अब भाई इसको ऐसा तो नहीं है कि पहले बात भाई लड़कों के लिए नाम का अलग सिस्टम है, लड़कियों के लिए अलग है। कुछ नाम पहले से ही हैं कि जो लड़कियों के रहेंगे और कुछ नाम पहले से जो लड़कों के रहेंगे। तो एक रूल ये होता है कि जेंडर को इस तरीके से डिसाइड करें। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे वृक्ष, माला और फल। जो वृक्ष है ये आपका कौन सा, ये पुल्लिंग है, ये पहले से ही डिसाइडेड है। इसमें मैंने कोई डिसाइड नहीं करा ना आपने, यहाँ पे कोई रूल नहीं, ये नेचुरल रूल है। माला जो है वो आपका स्त्रीलिंग है और जो आपका फल है वो आपका नपुंसक बोले तो न्यूट्रल है, न्यूटर है। मीन्स वृक्ष, माला, फल, जो वृक्ष है वो आपका पुल्लिंग है मतलब आपका मस्कुलिन है, माला जो है वो आपके फेमिनिन है और फल जो है आपका नपुंसक न्यूटर है। ये पहले से ही डिसाइड है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो शरीर, तनु, देह, शरीर, तनु, देह। तो शरीर अगर मैं बोलता हूँ तो ये आपका नपुंसक मतलब न्यूट्रल है, ये आपका तनु बोलता हूँ तो स्त्री है, और देह बोलूँगा तो ये पुल्लिंग है। मीन्स आप देख रहे होंगे कि शरीर, तनु, देह, ये तीनों का मतलब एक ही है, बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है उसी को ही कहते हैं हम ये शरीर, तनु या देह। लेकिन अगर मैं शरीर बोलूँगा तो वो न्यूटर हो जाएगा, तनु बोलूँगा तो स्त्री, और अगर देह बोलूँगा तो पुल्लिंग। मीन्स ऑब्वियस चीज़ आप समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है संस्कृत में कि जो उस वो अगर वो चीज़ वो मतलब एक ही चीज़ वो स्त्रीलिंग भी हो सकती है, वो पुल्लिंग भी हो सकती है और नपुंसक भी हो सकती है। मीन्स उसका मीनिंग भले ही सेम हो लेकिन अगर शब्द आप अलग यूज़ करते हैं तो वो उसमें आपका लिंग चेंज हो, ये आपका नेचुरली है, आंतरिक रूप से ही है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, समझ गए इस चीज़ को। अब दूसरा तरीका होता है, अब एक तो ये होगा, अब दूसरा है आपका कुछ एडजेक्टिव या क्वालिफायर होते हैं, एडजेक्टिव या क्वालिफायर विश्लेषण विशेष्य जो होते हैं उनका कोई प्रातिपादिक नहीं होता। उनको कैसे डिसाइड करना है तो उनको इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। जैसे दीर्घ लिखा है, दीर्घ वृक्ष लिखा है, तो आपको मालूम है कि जो वृक्ष है क्या है, आपको मालूम है वृक्ष है वो आपका पुल्लिंग है। तो फिर भैया आपको जो दीर्घ है, दीर्घ जो चल रहा है इसको भी आप क्या मानेंगे, इसको भी आप पुल्लिंग ही मानेंगे, क्योंकि जो दीर्घ है वो वृक्ष को क्या कर रहा है, एडजेक्टिव है इसका कि बड़ा है वृक्ष, बड़ा वृक्ष की बात हो रही है। तो वृक्ष आपका पता है कि ये पुल्लिंग है, तो दीर्घ भी क्या होगा आपका दीर्घ जो एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव हुआ, तो ये इसको ये जो आपका विश्लेषण है ये भी क्या होगा आपका पुल्लिंग होगा। तो अब इसी तरह, अब ये तो हो गया आपका जेंडर के, अब दूसरा आता है कि अंतिम लेटर पे मतलब वर्ण पे। अंतिम लेटर क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए जैसे राम लिखा है तो आखिरी में राम आ रहा है छोटा आ, तो ये अकारांत पुल्लिंग हो गया। जैसे सीता है तो इसमें बड़ा आ की मात्रा थी, अकारांत स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरीके से जो आपके वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, जैसे अच है, अच स्वर है तो उससे मिलकर तो वो पुल्लिंग होता है। व्यंजन में हलंत है तो वो मिलकर क्या होता है कि वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो इस तरीके से जो आखिरी जो शब्द होता है मतलब जो आखिरी लेट जो मतलब किसी भी शब्द का आखिरी का जो लेटर होता है मतलब जो वर्ण होता है जैसे माँ जो भी है, आखिरी लेटर जो होता है उसके अकॉर्डिंगली भी आपका क्या होता है, जो आपका प्रातिपदिकम या प्रातिपादिक जो होता है वो डिसाइड होता है। तो इस तरीके से, तो सिंपल सी बात ये है कि अब आप ये सोच रहे होंगे सर कि जो सुबत्तम जो होता है मतलब नाउन जो होता है वो दो मिल से मिलकर प्रातिपादिक और सुप्रत से मिलकर बना होता है, तो प्रातिपादिक ऐसे डिसाइड होता है, तो होता है क्या, देखो प्रातिपादिक क्या होता है, किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का नाम होता है, और जो सुप्रत होता है इसका क्या मतलब होता है, सुप्रत ये करता है कि जो प्रातिपादिक है वो किस तरीके से रिलेट है वर्ब से, वर्ब जो होती है आपकी उससे किस तरीके से रिलेट है, मतलब प्रातिपादिक कौन होगा किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम, और वो जो सुप्रत जो है सुप्रत, सुप्रत क्या करता है, सुप्रत उसको वर्ब से रिलेट करता है, किस तरीके से उससे वो वर्ब से कन्वे है, किस तरीके से वो कनेक्टेड है।
तो ये होता है सुप्रत में। अब जो आपका सुप्रत कैसे पता चल निकालते हैं, इसके लिए विभक्ति होती है। क्या होता है आपका विभक्ति जो होती है, विभक्ति का केस और जो वचन होते हैं, विभक्ति और वचन से पता चलता है कि सुप्रत कौन सा इसमें लगा हुआ है। तो इसी तरीके से जो आपका नाउन है, सुबंत है, जो आपका फिनिश होता है। तो होप यू गाइस आपको नाउन समझ में आया होगा संस्कृत में, तो और आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो जेंडर है किस तरीके से समझ में निकालते हैं और किस तरीके से पता करते हैं। तो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा हाउ टू डिटरमाइन द जेंडर इन संस्कृत, मतलब संस्कृत में जो लिंग है वो किस तरीके से पता करते हैं, किस तरीके से, इसका तो उसका एक बहुत बड़ा वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और संस्कृत सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।